स्टूडेंट्स, आज हम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम फंजाई, दीज आर हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल एंड दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड। सो देयरफॉर दे आर नोन एज सेप्रोफिटिक बिकॉज दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड। दे आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट इज यूनिसेलुलर। सो मैनी ऑफ देम हैव कैपेसिटी to become multicellular organism at certain stages in their life. They have cell wall. Cell wall chitin ki bani hai, which is a tough complex sugar. Iske example hai yeast and mushroom. Kuch fungus alga ke saath ek mutually dependent relationship banate hain, usko symbiosis bolte hain. For example, in lichens, some fungal species live in permanent mutually dependent relationship with blue-green algae, which is also known as cyanobacteria. And here both are benefited. Fungus provide living space and water to the alga. In return, they obtain food from the alga. Now plantae are multicellular eukaryotes with cell wall. Cell wall is made up of cellulose. Nutrition, autotrophic mode of nutrition, because they use chlorophyll for photosynthesis. यहाँ पर आपको plants and animals are most visible forms of diversity of life around us. तो इसमें सब groups भी हैं, क्योंकि इतनी diversity है इस group में, तो इसको सब group में divide किया गया है. एनिमेलिया मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक विदाउट सेल वॉल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्लांट में सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती, तो दे आर हेटरोट्रॉप्स. सो दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. तो अगर हम ये देखें कि सारे ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोट्स है यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है. प्रोकैरियोट्स का एक ग्रुप आपने मोनेरा पढ़ा, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा. यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर अगेन डिवाइडेड इनटू टू, विद सेल वॉल विदाउट सेल वॉल. विदाउट सेल वॉल एनिमेलिया, विद सेल वॉल दो ग्रुप में फंजाई एंड प्लांटाई. फंजाई में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, प्लांटाई में फोटोसिंथेसिस होता है. तो प्लांटाई जो है फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग प्लांट्स, डिपेंड ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज well differentiated distinct components or not. तो plant body के basis पर plantae को अलग अलग group में, सब group में divide किया गया. वो plants जिनकी plant body well differentiated नहीं है वो thallophyta में आता है. तो plants that do not have well differentiated body design वो thallophyta में आता है. ये इसके plants को algae बोलते हैं. और ये plants जो हैं aquatic हैं. example Spirogyra, Eulothrix, Cladophora and Chara. ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये Eulothrix का है, ये Cladophora का है, ये अल्वा का है, Spirogyra. Spirogyra का कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, इसमें आपको लेबल करना पड़ता है सेल वॉल, स्पायरल शेप, क्लोरोप्लास्ट, ये पायरेनॉइड्स हैं, प्रोटीन स्टोरेज ग्रेन्यूल्स जो है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म. उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है वो है ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा में दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इनको जिंदा रहने के लिए वाटर की भी जरूरत होती है और लैंड की भी होती है, दोनों जगह पे इनको चाहिए. तो दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें स्पेशल टिश्यू नहीं होते फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, क्योंकि वो कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होते. और इसके एग्जांपल हैं मॉस, फ्यूनेरिया जिसको बोलते हैं, मार्केंशिया एंड रिक्शिया. ये आप देख रहे हैं, ये मार्केंशिया है, ये रिक्शिया है, ये फ्यूनेरिया, इसमें कैप्सूल दिखता है आपको. टेरिडोफाइट्स में इसका जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है कि प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है रूट स्टेम्स एंड लीव्स में, और इनमें कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड
फूड. जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है. इसके एग्जांपल है मार्सीलिया, फर्न, हॉर्सटेल. तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसमें नेकेड एम्ब्रियोज होते हैं जिसको हम स्पोर्स बोलते हैं. तो आप बोल सकते हो कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इस ग्रुप में वो विजिबल नहीं है, इनकॉन्स्पिकुअस है. सो दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम. इसमें हिडन है, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है. ये क्रिप्टोगैमी तीनों ग्रुप, तीनों सब ग्रुप को मिला के क्रिप्टोगैमी बोलते हैं. एंजियोस्पर्म्स में, यहाँ पे आप देखिए पिक्चर, ये मार्सिलिया की है, फर्न की है. और वो प्लांट जिसमें रिप्रोडक्टिव टिश्यू विजिबल है वो कहलाते हैं फेनेरोगैम्स. उसमें सीड्स बनते हैं, सीड्स आर रिजल्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. तो उसमें दो आते हैं फेनेरोगैम्स में, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में जो, दिस टर्म इज मेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. जिम्नो का मतलब नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स. तो इसमें प्लांट्स में आपको सीड्स विजिबल होते हैं, एनक्लोज नहीं होते फ्रूट्स के अंदर. ये पेरिनियल हैं, बहुत साल जिंदा रहते हैं, एवरग्रीन हैं, वुडी हैं. इसके एग्जांपल हैं पाइन, डियोडर. ये आपको ज़्यादातर हिल स्टेशन पे मिलेंगे. और दूसरा है एंजियोस्पर्म. ये ग्रीक वर्ड से बना है, एंजियो मतलब कवर्ड, स्पर्मा मतलब सीड. तो सीड्स कवर्ड होते हैं, फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज होते हैं. इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं. तो प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटिलिडन्स, और कॉटिलिडन्स को सीड लीव्स बोलते हैं. और कुछ प्लांट में एक कॉटिलिडन देखा गया, कुछ में दो. तो इसलिए एंजियोस्पर्म को दो में डिवाइड कर दिया गया, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. तो यहाँ पर इनको सीड लीव्स भी बोलते हैं. एंजियोस्पर्म्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स. मोनोकॉट्स में, मोनोकॉटिलिडन्स में सिंगल कॉटिलिडन, डाइकॉट्स में दो कॉटिलिडन. ये मोनोकॉट का देख रहे हो पिक्चर, और यहाँ पर आपको डाइकॉट का दिख रहा है आइफोमिया. इसके एग्जाम्पल अगर आप आए तो एग्जाम में लिख देना. यहाँ पे आपने, ये फ्लो चार्ट भी आता है कभी कभार कंप्लीट करने को. प्लांट्स दो डिवाइड हैं, दो ग्रुप में. एक वो जिसमें प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है वो है थैलोफाइटा. एक वो जिसमें प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है. और डिफरेंशिएटेड है तो अगर वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है. वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट हैं तो ब्रायोफाइटा, वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है तो अगेन दो तरह के हैं. एक जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं वो टेरिडोफाइटा, एक जो सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फेनेरोगैम्स कहला रहे हैं. लेकिन ये भी दो तरह के हैं, एक वो जिसमें नेकेड सीड्स हैं, एक वो जिसमें सीड्स एनक्लोज हैं फ्रूट्स के अंदर. नेकेड सीड्स वाला जिम्नोस्पर्म, और जिसमें फ्रूट्स में एनक्लोज हैं वो एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म भी दो तरह का है, एक कॉटिलिडन वाला, दो कॉटिलिडन वाला. जब सीड्स में दो कॉटिलिडन है तो वो डाइकॉट है, सिंगल कॉटिलिडन है तो वो मोनोकॉट है. और ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको, मुझे आप मेल कीजिएगा, मैं इसको आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करा दूंगी. थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग.